Hi guys, welcome to my YouTube channel Math Guru. In last video I told you how can you find the square of any number ending with 5. In this one I will tell you the new trick to find the square of any number ending with 6. Let's take example of 26. अपने को पता है कोई भी नंबर जिसकी एंडिंग 6 हो उसका यूनिट डिजिट स्क्वायर में भी हमेशा 6 होगा, तो 6 एज इट इज लिख दीजिए। 6 के अलावा जो भी डिजिट है उनको एक साथ लीजिए, यहाँ पे आगे डिजिट 2 तो उसको लिख लीजिए, 2 में 1 ऐड कीजिए वी विल गेट 3, 3 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए वी विल गेट 6, 6 में 1 ऐड कीजिए वी विल गेट 7, सो राइट 7 ईयर। देन वापस 2 लीजिए, 2 को जस्ट हायर साइड वाले नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए वी विल गेट 6, राइट 6 एज इट इज ईयर। टेक वन मोर एग्जाम्पल ऑफ 56, यूनिट डिजिट हमेशा पता पता है 6 होगा, 6 लिख लीजिए, यूनिट डिजिट के अलावा जो भी नंबर है उनको एक साथ लीजिए, 5 ले लीजिए, 5 में जस्ट 1 ऐड कीजिए, 6 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 12 आएगा, 12 में 1 ऐड कीजिए 13 आएगा, 13 का 3 लिख लीजिए 1 कैरी में चला जाएगा, वापस 5 लीजिए, 5 को जस्ट हायर साइड वाले नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए 30 आ गया, 30 में 1 कैरी वाला जो आया वो ऐड कीजिए 31 आ जाएगा। 3 डिजिट का कोई नंबर लेके देख लीजिए, 6 का 6 आ गया, 6 के अलावा जो भी डिजिट है उनको एक साथ लीजिए 12 आ गया, 12 में 1 ऐड कीजिए 13 आ जाएगा, 13 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 26 प्लस 1 ऐड कीजिए 27, 27 का 7 आ गया और 2 जो है वो कैरी में चला जाएगा, वापस 12 लीजिए, 12 को जस्ट हायर साइड वाले नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए 13 हो गया, 13 और 12 का मल्टीप्लीकेशन 156, 156 और 2 कैरी वाला ऐड हो जाएगा 158, राइट 158 ईयर यू विल गेट द स्क्वायर ऑफ 126। सो इस प्रकार कोई भी डिजिट इसके एंडिंग 6 को इसका स्क्वायर अपन बहुत ही इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर माई वीडियो, थैंक यू।